मुझे 9 to 5 जॉब करना काफ़ी कंफर्टेबल लगता था, बट फिर उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए मैंने ब्लॉग्स लिखने शुरू किए। फिर ब्लॉग्स लिखना मेरे लिए कंफर्टेबल होता जा रहा था, तो मैंने अपने घर में वीडियोस बनाने शुरू किए। धीरे धीरे ये भी मेरा कंफर्ट जोन बनता जा रहा था, और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं बाहर जाके वीडियो शूट करूंगी, सो दैट आई कैन गेट आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन ऑफ रिकॉर्डिंग वीडियोज एट माई होम। बट मैं ये क्यों कर रही हूँ, सब सही तो चल रहा था। फिर याद आया कि ये जितने भी लोग आज सक्सेसफुल हैं वो सारे ही एवरेज लोग हैं, जिन्होंने सिर्फ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें क्रिएट की हैं, एंड आई थिंक आई कैन डू दैट टू। अब ऑल दो बाहर पब्लिक में शूट करना काफ़ी लोगों के लिए बड़ी नॉर्मल सी बात होगी, बट मेरे लिए नहीं है। इसलिए इस चैलेंज को सिंपल एंड इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने अपना फ़ोन घर पर ही छोड़ दिया, ताकि मैं थोड़ा मी टाइम अच्छे से स्पेंड कर सकूँ, एंड इस पूरी जर्नी को मैंने अपने GoPro से शूट किया है। टिकट लेते वक्त मैंने भैया से कहा कि मेरे आगे वाले बंदे ने जहाँ तक की टिकट ली है वहीं तक की टिकट मुझे भी दे दो। भैया थोड़े से शॉक हो गए, एंड उन्होंने मुझसे पूछा CST की टिकट चाहिए क्या? तो मैंने भी कहा कि हाँ, एक CST रिटर्न दे दो। मुझे यहाँ रणबीर कपूर का डायलॉग याद आ गया, ओह माय गॉड, आज तो बहुत क्रेजी कर लिया मैंने। इनिशियली तो मैं काफी डर रही थी ये चैलेंज लेने के लिए, वो भी बिना फोन के, क्योंकि बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर फोन तो सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। बट सच में काफ़ी अजीब केक मिलती है ये सब चैलेंजेस करके, काफ़ी कुछ सीखने मिलता है। और फ़ोन के साथ तो मैं वैसे भी 9-10 घंटे बिताती हूँ, तो क्यों ना आज बिना फ़ोन के 10 घंटे बिताए जाएं और देखा जाए कि ये दुनिया बिना फ़ोन के आखिर कैसी दिखती है। अब जिनको नहीं पता उनको मैं कॉन्टेक्स्ट दे दूँ, मैंने नवी मुंबई से CSMT तक की लोकल ट्रेन पकड़ी थी, जिसमें अराउंड 1 hour 15 minutes लग जाते हैं। जब फ़ोन होता था तब मैं म्यूज़िक सुन के पूरा सफ़र टाइम पास कर लेती थी, कभी आसपास की चीज़ों पे इतना गौर ही नहीं किया। लकीली इतनी भीड़ नहीं थी इस दिन, शायद इसलिए मौका मिल गया ये सब सीनरी कैप्चर करने का। CSMT उतरने के बाद मैंने कोलाबा कॉजवे तक के लिए टैक्सी ली, एंड आप मानोगे नहीं, मैं इतनी बार यहाँ आ चुकी हूँ बट सिर्फ शॉपिंग करते वक्त ही मेरा फ़ोन मेरे बैग के अंदर होता था, एंड बैग मेरे आगे होता था लाइक अ टिपिकल मुंबईकर, एंड बाकी सारे रास्ते मैं सिर्फ अपने फ़ोन के साथ होती थी। अच्छा है, ऐसे चैलेंजेस की वजह से मैं अपने कंफर्ट जोन से भी धीरे धीरे निकल रही हूँ, एंड फोन एडिक्शन भी थोड़ा कम हो रहा है। कॉजवे के बाद मैं गेटवे ऑफ इंडिया देखने चली गई। बचपन में ये हमारा फैमिली पिकनिक स्पॉट हुआ करता था, इतने बार विजिट किए ना ये जगह कि वापस यहाँ आने का कभी मन ही नहीं किया। आज भी सिर्फ दूर से ही हाय बोला इस जगह को मैंने। और फिर जब सनसेट का टाइम हुआ तब मरीन ड्राइव्स के लिए टैक्सी ली। भीड़ कॉजवे या गेटवे में नहीं थी, उसे कई ज्यादा भीड़ मरीन ड्राइव पे थी। एज यूजुअल बैठने की जगह नहीं थी, और जब जगह मिल जाए तब उठने का ही मन ना करे, ये जगह है ही इतनी प्रिटी। अकेले बैठ के कितने सारे थॉट्स आते हैं दिमाग में, आप खुद के बारे में कई सारी चीज़ें जान पाते हो, आप आसपास हो रही एक्टिविटीज़ को इतना नोटिस करने लगते हो। अगर मैं फ़ोन के साथ आती ना तो शायद मैं पूरे दिन की एक्टिविटीज़ को रिकॉल नहीं कर पाती, बट अब शायद ये चीज़ें मुझे घर जाने के बाद भी याद रहेंगी। सनसेट इन्जॉय करने के बाद आई थॉट कहीं खाने चलते हैं, एंड बाय गॉड, बिना गूगल मैप्स के कोई अच्छा कैफे ढूंढना इज अ रियल टास्क। फाइनली एक कैफे मिला, एंड फिर बारी आती है अकेले खाना खाने की। आई डोंट नो लोग कैसे कर लेते हैं यार ये, इससे पहले भी एक बार मैं सोलो डेट पर तो जा चुकी हूँ, बट बिना फ़ोन के ये थोड़ी अजीब फीलिंग है। एक बुरी आदत है मेरी खाते टाइम फ़ोन यूज़ करने की, बट उस दिन मैंने अपने खाने को इतने माइंडफुलनेस से खाया जितना पहले कभी नहीं खाया था।
बस फिर टाइम आ गया था वापस घर जाने का, वापस 1 hour 15 minutes का सफ़र बिना हेडफोन्स के बिताने का। इस चैलेंज से मैंने एक लेसन तो डेफिनेटली सीखा है कि चीज़ें जितनी डिफ़िकल्ट लगती हैं उतनी एक्चुअल में होती नहीं हैं। मैं ऐवे ही इतना डर रही थी पब्लिक में व्लॉग करने से, बट उस दिन जब मैंने ट्राई किया तो पता चला कि काफ़ी ज़्यादा ईजी है ये। बस पहला कदम, फर्स्ट स्टेप ही डिफ़िकल्ट लगता है, उसके बाद चीज़ें अपने आप आसान लगने लगती हैं। आपने नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर क्लिप्स में मैंने मास्क का यूज़ किया है एंड आपको उस दिन की पूरी जर्नी मैंने वॉइस ओवर पे दिखाई है। तो वो इसलिए क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम था एंड पहला स्टेप ना सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेना होता है, चाहे वो परफेक्ट आए चाहे वो इम्परफेक्ट आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना है ना तो आपको स्लाइट चेंजेस करने पड़ते हैं, इसलिए मैंने मास्क और वॉइस ओवर का यूज़ किया, ना कि मैंने एक प्रो व्लॉगर जैसे इस पूरे वीडियो को बनाने की कोशिश की। सो या दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि अपने कम्फर्ट जोन से कैसे निकलना है उस सवाल के जवाब आपको इस वीडियो के थ्रू मिल चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपना टेक अवे मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन क्लिक कर लो, क्योंकि अगले संडे का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होने वाला है। इट्स अबाउट हाउ टू मेक फ्रेंड्स एज एन अडल्ट। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। मैं मिलूंगी अगले संडे 7 PM। बाय।